कोविड-19 टीकाकरण का प्रथम चरण जिला कांगड़ा में शुरू हुआ। जिला में टांडा मेडिकल कॉलेज, सिविल अस्पताल पालमपुर, ज्वालामुखी और शाहपुर में 100-100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया गया। शाहपुर सिविल अस्पताल में टीकाकरण को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने व्यवस्थाएं देखी। वहीं टीकाकरण के प्रथम चरण के शुभारंभ पर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। टीकाकरण के संबंध में सरवीण चौधरी ने व्यापक जानकारी हासिल की तथा पहले वो दूसरे लाभार्थी से बातचीत भी की। इससे पहले सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने शाहपुर अस्पताल में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल स्टाफ को टीकाकरण अभियान के संबंध में उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएमओ ने बताया कि जिला कांगड़ा में प्रथम चरण के दौरान 13,653 स्वास्थ्य कर्मियों तथा 14,000 फ्रंटलाइन कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। 31 मार्च 2021 तक इन सभी स्वास्थ्य व फ्रंटलाइन कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि वर्ष 2020 पूरे विश्व में एक अभिशाप के रूप में रहा। देश में कोविड-19 का टीका बनकर तैयार हुआ है, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी देश के वैज्ञानिक व डॉक्टर बधाई के पात्र हैं। कोविड के चलते भारत सहित पूरे विश्व में कई लोगों की दुखद मौतें हुईं। कोरोना वॉरियर्स को प्रथम चरण में कोविड का टीका दिया जा रहा है और आगे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, भारतवर्ष में जिस तरह से लगातार मेडिकल साइंस में अपना वर्चस्व बनाया हुआ है, कोविड-19 जो है पिछले साल 2020 जो है एक अभिशाप के रूप में पूरे विश्व में रहा और इसका वैक्सीनेशन नहीं था और उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अमेरिका जैसे देशों को भी क्लोरोक्विन जैसा मेडिसिन जो है जो मलेरिया के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था फॉर द टाइम बीइंग, उसको पूरे विश्व ने इस्तेमाल किया, उसमें अग्रणी भूमिका रखी है और आज के इस सुरक्षित टीकाकरण में जो कोविड-19 का भारतवर्ष में बनकर तैयार हुआ है, मैं यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के साइंटिस्ट को और विशेष रूप से यहाँ के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने भारतवर्ष को सुरक्षित रखते हुए और जिस तरह की प्रिकॉशंस पूरे कोविड-19 में दी उसको भारत के लोगों ने, चाहे भारत बंद के रूप में या मास्क लगा के या सैनिटाइजर के माध्यम से हाथ धो के, अनेकों दूरी रख के और कर्फ्यू जैसी सिचुएशंस में भी लोगों ने पूरा साथ दिया, इसलिए भारत के लोग काफ़ी सुरक्षित रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे विश्व की तरह कुछ डेथ्स भारत में भी हुई और उसी के बचाव के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ जिस तरीके से कोविड-19 का आज का एक बहुत सौभाग्य है हमारा, एक खुशी का दिन है कि इसका वैक्सीन जो है भारतवर्ष में लॉन्च हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में इसको लॉन्च किया है। वहीं हमारे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से ये हिमाचल के लोगों को जिस तरह से इसकी सुविधा मिल रही है और जिला कांगड़ा में मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि टांडा जैसे हॉस्पिटल में, शाहपुर में और पालमपुर में और ज्वालामुखी में चार जगहों पे आज इसका आगाज हुआ है और आज शाहपुर हॉस्पिटल में भी 100 लोगों को ये वैक्सीनेशन जो है दिया जाएगा और 2 टीकाकरण का ये शेड्यूल है और 2 किस्तों में 28 दिन के बाद दूसरा बताया है टीका और एक सुरक्षित टीका जो है ये यहाँ पर शुरू हुआ है। अभी अभी हमारे यहाँ पे 2 लोगों को ये लग चुका है, आधा घंटे तक वो डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन के बीच में रहेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ वो सुरक्षित भी हैं। शाहपुर अस्पताल में सबसे पहले सबिता जम्बाल को कोविड-19 का टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण हेतु लाभार्थियों को चिन्हित किया गया, जिसके तहत शाहपुर के बनाला की रहने वाली सबिता जम्बाल, जो कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित हैं, उनको सबसे पहला टीका लगाया गया। वहीं दूसरे नंबर पर शाहपुर अस्पताल के डॉक्टर सन्नी धीमान को टीका लगाया गया। डॉक्टर सन्नी धीमान वर्ष 2014 से शाहपुर अस्पताल में कार्यरत हैं। सबिता व डॉक्टर सन्नी ने विभाग द्वारा उन्हें सबसे पहले टीका लगाने हेतु चयनित करने पर खुशी जताते हुए कहा कि वे औरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मेरा नाम सबिता जम्बाल है, मैं RBS के में ANM के पद पर कार्यरत हूँ। पहला इंजेक्शन मुझे लगा है, थोड़ा सा डर भी था, बट जिस तरह से मैडम ने इंजेक्शन लगाया बहुत अच्छे तरीके से लगाया, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला मतलब इंजेक्शन लगने के बाद। अभी इंजेक्शन लगने के बाद किस तरह का अनुभव कर रहे हैं आप? कोई दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं डॉक्टर सनी धीमान, मेडिकल ऑफिसर हूँ शाहपुर में पोस्टेड, और प्रेसिडेंट हूँ डॉक्टर एसोसिएशन का। डॉक्टर साहब, आपने भी जो है आज कोरोना वैक्सीन का जो टीका है वो लगवाया है, किस तरह का अनुभव है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में टीकाकरण को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंपल सा मैसेज है, ये टीका सभी को लगवाना चाहिए और डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन लगाने के बाद किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं है, पेन भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल इम्यूनाइजेशन की तरह ये भी रूटीन इम्यूनाइजेशन है और सभी को करवानी चाहिए।